बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? और मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। उसका नाम है जी आलू बुखारे की चटपटी चटनी। ये आलू बुखारे की चटनी आज हम बनाएंगे। तो ये आलू बुखारा आजकल बहुत मार्केट में आया हुआ है। ये जी कच्चा पक्का होता है एंड लाइट सा रेड है इसका कलर और डार्क रेड है। तो इस तरह ये हम लेंगे, मैंने हाफ के जी लिया है। तो इसकी रेसिपी आज हम बनाते हैं कि ये कैसे चटनी बनती है, खट्टी मीठी, जो कि बहुत ही घर में अच्छी लगती है। खाने के साथ आप खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम कढ़ाई की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले ये हाफ के जी आलू बुखारा है। इसमें जो मेवे डलेंगे वो हैं पिस्ता है, बादाम है। ये मैंने इनका छिलका उतार लिया है गर्म पानी में डाल के, थोड़ी देर आप रखे तो इसका छिलका फौरन उतर जाता है। और इसे मैंने नाइफ के साथ बीच में से दो दो पीस इसके कर लिए हैं, ठीक है जी। तो फिर मैंने ये खोपरा लिया है, कोकोनट, इसको कोकोनट बोलते हैं, खोपरा बोलते हैं, गरी बोलते हैं, जो लोग भी जैसे बोलते हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है जी। और ये छोटी वाली, बिल्कुल छोटी है किशमिश, ये ली है। ये हमेशा पजीरी हो, कोई पजीरी बनाएं और कोई छो हलवा बनाएं या फिर और कोई इस तरह की रेसिपीज बनाते रहें ना, चटनियाँ वगैरह, तो उसमें ये चल जाती है जी। तो एक कप मैंने पानी लिया है और जब मैं कढ़ाई में डालूंगी आलू बुखारा तो उसके बाद फिर देखेंगे कि हमें दो कप की ज़रूरत है, 1.5 कप की ज़रूरत है, वो इसके मुताबिक फिर हम कर लेंगे। फिर जी ब्लैक पेपर मैंने 1/2 टीस्पून ली है, 1 टीस्पून रेड मिर्च ली है जो कि कुटी हुई मोटी वाली मिर्च होती है, बिल्कुल पाउडर वाली नहीं ली मैंने। ये इसके सीड्स जो हैं ये नज़र आएंगे बीच में चटनी के, आलू बुखारे की चटनी में बड़े अच्छे लगते हैं। फिर 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है और दालचीनी के पीस मैंने 2 अदर लिए हैं, 2 अदर मैंने लौंग लिए हैं और 3 से 4 अदर सबस इलायची लिखे है, और जिनको मैंने थोड़ा सा आगे से बिल्कुल हाथ से दबा के तोड़ लिया है। तो जी 1 कप शुगर है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ज़ीरा 1 टीस्पून, ये भी मैंने मोटा मोटा सा इसे कूट लिया है। अच्छा जी, तो अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ आते हैं और उसमें फिर मैं आलू बुखारा शामिल करूंगी, आपके साथ शेयर करती रहूंगी। कढ़ाई को मैंने जी चूल्हे पे चढ़ा दिया था और धीमी इसकी आंच है, और इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दूंगी, क्योंकि ऑयल शामिल करने का मतलब यही है इसमें हम डाल देंगे आलू बुखारा। डालने के बाद भी मैं इसे थोड़ा फ्राई करूँगी, ऑयल भी पक जाएगा और हमारा आलू बुखारा भी फ्राई हो जाएगा। क्योंकि ऑयल मैंने 2 चम्मच इसलिए शामिल किया है कि जब हमारी चटनी बनेगी तो इसमें थोड़ी सी शाइन आ जाएगी, इस टाइम के लिए सिर्फ डाला है। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइक करते हैं तो डाल देंगे तो फिर ना डालें। तो उसके बाद पानी शामिल कर दूंगी, 1 कप पानी का मैंने शामिल कर दिया है, तो ये मुझे कम लग रहा है। अब मैं और कोशिश करूंगी कि 1 कप और शामिल कर दूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले कि 1/2 केजी जो हमारा आलू बुखारा है इसके लिए पानी कितना चाहिए। ये ले जी, मैंने 2 कप पानी के शामिल कर दिए हैं। अब बिल्कुल हल्की इसकी फ्लेम है, उसके ऊपर मैं इसको बनाऊंगी और इसे कवर कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं
इसकी फ्लेम बहुत ही कम है, इसलिए फिर अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं और 5 मिनट्स तक मैं चेक करूंगी कि ये कितने पक चुके हैं, उसके बाद फिर बाद में इसको देखते हैं। जी तो अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ आते हैं और देखते हैं, 5 मिनट्स हो चुके हैं और देखते हैं हम अपने आलू बुखारे को। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है और आप देखें कि इसका छिलका बिल्कुल उतर गया है, ये देखिए, और इसका कलर देखें ओरिजिनल, अल्लाह ताला की शान है। ये देखिए कितना प्यारा रेड कलर नजर आ रहा है, ये देखिए। तो यही तो चीजें हैं, हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटाएंगे। सब ये अलाए रब्बी कुमा तो फजीबा। तो जी अब हम आते हैं अपनी शुगर की तरफ, तो सबसे पहले मैं शुगर शामिल कर दूंगी, तो उसके बाद ये मसाले शामिल कर दूंगी। अब हम इसमें चम्मच लगाएंगे। शुगर का भी पानी बनेगा, इसलिए फिर ये भी आपने ज़हन में रखना है कि शुगर का भी पानी बनेगा। तो ये और थोड़ा सा पानी इसका भर जाएगा, इसलिए ये सारे मसाले इसमें चले गए हैं, अच्छे तरीके से पकेंगे और शुगर भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। और ये देखें आलू बुखारा माशाल्लाह कितना फूल गया है, ये देखें। अब हम इसे फिर कवर कर देंगे, कवर करने के बाद हम इसे और थोड़ा सा इसे गाढ़ा होने देंगे और मैं आपको दिखाती जाऊंगी कितना हमने गाढ़ा रखना है और ये पकेगा, उसके बाद लास्ट में हमने नट्स वगैरह डालने हैं, ठीक है जी। अब हम कवर कर देते हैं इसको। जी तो व्यूअर्स 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसका ढकना उठाते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बन रहा है और पानी भी कम है और रेड देखिए इसका पानी कितना रेड रेड है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम थोड़ी देर के लिए और इसे कवर कर देंगे, फिर इसके मेवों की तरफ आएंगे। जी तो अब हम देखते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बन रहा है। जी तो अब मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, अब इसको हम ठीक करने के लिए इसमें शामिल कर देंगे, ये जल्दी से ठीक भी हो जाएगा इसके साथ और इसका गाढ़ापन जो है वो और अच्छा लगेगा। ये देखिए ओनली 1 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लावर डालना है थोड़े से पानी में, तो देखना फिर कितना अच्छा ये बनता है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम भी मैंने थोड़ा सा तेज किया है क्योंकि लास्ट इसकी स्टेज है, अब ये तकरीबन थोड़ा सा पकेगा फिर हम इसमें मेवे शामिल कर देंगे। जी तो 2 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसका ढकना उठाती हूँ और देखती हूँ, माशाल्लाह से काफी ठीक हो गया है, ये देखिए आलू बुखारे की चटनी काफी ठीक हो गई है। अब मैं इसमें मेवे शामिल कर दूंगी, मेवे शामिल करने के बाद जी इसको थोड़ी देर के लिए मैं हिला दूंगी, हिलाने के बाद फिर हम इसको उतार देंगे, ये देखिए
माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और बहुत ही टेस्टी टेस्टी बना है। जो मैंने इसमें मसाले शामिल किए थे उनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही भीनी भीनी प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और आप भी बनाएं ज़रूर, ये इसी सीज़न में आप बनाएं और बना के अपने बच्चों को दें, खुद खाएं। और जब ये ठंडी हो जाती है फिर तो और ज़्यादा मज़ेदार लगती है, तो बहुत ही टेस्टी है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें, इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। तो मैं अब सर्विंग डिश में इसे निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्रेश आलू बुखारे की चटनी रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी और यम्मी टेस्टी बनी है। आप भी अपने घर में बनाएं, अपनी फैमिली को बना कर दें और बहुत इसका अच्छा टेस्ट है। तो मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर और लाइक करें मेरी वीडियो को, और बहुत सारी दुआओं के साथ रास्ते अख्तर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।